मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है। लेकिन दिलीप जी, आपको लगता नहीं कि पीएम को कम से कम ये हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए? ममता जी को जवाब के नाम पर ही सही, वो भी तो ले ही आए ना हिंदू मुसलमान। उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? आज हम इस वीडियो में बात आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की डिबेट्स की करेंगे। हम कई बार आपको रोहित की वीडियोस दिखा चुके हैं, पर आज बात कुछ अलग है। आज वे हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये वीडियो से हम उन्हें एक श्रद्धांजलि सी ही दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उनकी वे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को अपने तीखे सवालों से घेरा हो। आज तक पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी नेता जफर इस्लाम से राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर सवाल पूछे, जिस पर नेता विपक्ष की आलोचना करने लगे। पर एंकर ने नेता को टोका और अपनी सरकार की बात करने को कहा। गुजरात की अदालत को यह क्यों कहना पड़ा? लोगों को लग रहा है कि भगवान भरोसे बैठे, कोई सिस्टम नहीं है काम कर रहा। कि सडनली अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो थोड़ा सा उसमें कठिनाई हो जाती है मैनेज करने में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, आज कठिनाई की स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही थी ना एक साल से, तो उस वक्त हम एक अननोन चीज से लड़ रहे थे। उस वक्त देखिए कोई जानकारी नहीं थी, ना तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास, और ना तो कोई ऐसी जानकारी थी इसके बारे में। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जानकारी भी पूरी है, लेकिन महामारी में कभी कभी होता है कि अगर सडनली कुछ ऐसा रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है। सरकार ने ये मान लिया था कि हम तो जीत गए, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वापस कुछ नहीं होगा, तो हमारा बहुत नीचे स्थान था, 100 के भी नीचे स्थान था। लेकिन आप देखिए आज हम कहां खड़े हैं। मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है। इसमें ऑपोजिशन कहां से आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं है। जब किसान आंदोलन लाल किले तक जा पहुंचा तो इस मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया से सरकार द्वारा कोई व्यवस्था ना करने पर सवाल उठाए, जिस पर नेता ने सरकार का बचाव करने की कोशिश की। पर एंकर ने अपने तीखे सवालों में उन्हें घेरा और सही से जवाब देने को कहा। उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? मैं बताता हूं। नहीं कर पाते आप, किसी भी समय नहीं कर पाए। देश की राजधानी बार बार बंधक बन जाती है और आप उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर बार। तो कौन बरगला रहा है, कौन झूठी खबरें फैला रहा है, इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरी बात मैं समझता हूँ, एक मिनट रोहित जी, अब मेरी बात हो जाए और मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। मैं देख रहा था टीवी पर बैठकर उनको 20 बार बोल के गए कि मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। उससे मैंने आपको 3 बार के उदाहरण दिए, जिसको आप हर बार मास्टर स्ट्रोक कह के बचते रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं? ये मास्टर स्ट्रोक है सर, दिल्ली पुलिस के जवान पिट रहे हैं। जी मेरी पहले बात, ये मास्टर स्ट्रोक है। तू मैं नहीं करेंगे, आप बोलना चाहते हैं आप पहले बोलिए फिर मैं बोलूंगा। मैं तो बोल चुका हूं, आप जवाब ही नहीं दे रहे उसका। नहीं अब मैं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके चैनल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मैंने उसका जवाब दिया कि आप वकील हैं, आप कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर आज तक की एक डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से बंगाल में चुनावी रैली होने और कम वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सवाल किए, जिस पर वे सरकार की तैयारियों पर बात करने लगे, जिस पर एंकर ने उन्हें बीच में रोका और सरकार की खामियों पर जवाब देने को कहा। हमारे पास 7.5 लाख डोज किया है, हम सबकी जान बचाएंगे। आपने कहा हमने 7.5 लाख और दे दिए, उनका कहना है 5 लाख पर डे हम यूज करते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे, 3 दिन का कोटा उनके पास है, उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे, कम से कम भरोसा तो देते जी, कि आप 3 दिन यूज कीजिए, उसके बाद हम तैयार बैठे हैं आपके लिए, हम आपको दे रहे हैं। ये स्थिति लड़ाई तक क्यों चली आई? तो रोहित जी, ये नौबत क्यों आ गई कि आपस में तूतू मैं होने लगी? लड़ना था कोरोना से, लड़ रहे हैं आपस में। कौन तूतू मैं कर रहा है रोहित जी? हर्षवर्धन जी ने कहा, और आज मैं भी आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि आपकी डोज खत्म हो इससे पहले केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में डोज हो। कितनी मात्रा उपलब्ध है और उसी अनुपात में हम सारे देश के जिस हिस्से में आक्रमण ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा है बीमारी का, वहां पर पहले प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन को, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जब बंगाल में चुनाव थे तो रोहित ने तब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की थी। आज तक पर रोहित ने बीजेपी नेता दिलीप घोष का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में एंकर ने बंगाल में चुनावों की स्थिति पर और बीजेपी की तैयारियों पर सवाल किए।
इसके अलावा रोहित ने कुछ तीखे सवाल भी किए जिसका दिलीप घोष ठीक से जवाब ना दे पाए। लेकिन दिलीप जी, टीएमसी वाले कहते हैं कि आपके लोग मार रहे हैं, आप कहते हैं कि टीएमसी वाले मार रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं चुनाव तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो मानना किस बात को सही मानना है? हिंसा हो रही है या सब कुछ ठीक ठाक है? हिंसा तो हो रही है, काम बिल्कुल इसलिए कर रहा हूं, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बाहर कुछ लोगों को डराया जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन दिलीप जी, आपको लगता नहीं कि पीएम को कम से कम ये हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए? ममता जी के जवाब के नाम पर ही सही, वो भी तो ले ही आए ना हिंदू मुसलमान। देखिए, बंगाल में ये तो देश का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उसी समय से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, हम इसका विरोध में लड़ाई करते हैं, और इसलिए यहाँ संख्या लोगों को समाज की संख्या ज्यादा होने का कारण थोड़ा। आप उनको सांप्रदायिक कहते रहिए, वो आपको सांप्रदायिक कहते हैं, वो कहते हैं कि आप तो जय श्री राम को चुनावी नारा बना चुके हैं, आपसे सांप्रदायिक कौन है फिर? हम उम्मीद करेंगे कि बाकी का मीडिया भी इसी तरह बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करता रहेगा और जनता के मुद्दे उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।